हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विराज वास्तु वाला चैनल में। ये हमारी न्यू सीरीज चल रही है जीरो से लेकर नंबर 9 तक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। अभी तक हमने बात की है जीरो से लेकर नंबर 7 तक। अगर आप वो वीडियो देखना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबर 8 के ऊपर। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 या 17 या 26, तो वो व्यक्ति का बर्थ नंबर है 8। तो 8 नंबर को रूल करता है शनि प्लेनेट। तो शनि है वो रिप्रेजेंट करता है फोकस को, हार्ड वर्क को और पेशेंस को। तो जो भी व्यक्ति है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 8th या 17th या 26, तो ये लोग है वो ऑनेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और थोड़े से लालची भी होते हैं। इनके काम है वो बहुत धीमी गति से होते हैं पर पूरे जरूर होते हैं। शनि है वो डिसिप्लिन भी दर्शाता है, तो ये लोगों में डिसिप्लिन भी होती है। अब अगर मैं नंबर 8 की शेप की बात करूँ तो उसमें ओ है, तो जो ओ है उसे ट्विस्ट कर दिया है। तो इन लोगों की लाइफ है वैसी ही होती है जैसे 8 नंबर को लिखते हैं, तो ऊपर से शुरू होता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आते हैं। तो इन लोगों की लाइफ है वो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। ये लोग है वो ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। और मैंने बात की कि नंबर 8 को लिखते हैं तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है, तो इसलिए ये लोगों की लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो एक्सट्रीम अच्छी होती है और खराब होती है तो एक्सट्रीम लेवल पर खराब होती है। सही को सही और गलत को गलत बोलने में ये लोग कभी घबराते नहीं है। ये लोगों का विजन है वो क्रिस्टल क्लियर होता है। ये लोगों का फोकस है वो क्लियर होता है, वेल फोकस होते हैं। ये लोग है वो बाहर से सख्त दिखाई देते हैं पर अंदर से काफी इमोशनल होते हैं। ये लोगों की लाइफ है वो स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में सैंडविच बनी हुई होती है। नंबर 8 में नीचे का जो ओ है वो मटेरियल चीज़ों को दर्शाता है और ऊपर का जो ओ है वो स्पिरिचुअल चीज़ों को दर्शाता है। नंबर 8 वाला व्यक्ति है जिनका बर्थ नंबर 8 है, वो व्यक्ति वचन का बहुत पक्का होता है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए ऐसा व्यक्ति होता है। अब अगर मैं नेगेटिव पार्ट की बात करूं तो अब अगर आपने नंबर 8 वाले व्यक्ति को आज परेशान कर दिया तो 10 साल बाद भी इन लोगों को याद रहता है कि ये व्यक्ति ने मुझे 10 साल पहले परेशान किया था। और ये लोग है वो बदला लेने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और शनि है वो हार्डवर्क को दर्शाता है, तो ये लोग हार्डवर्किंग होते हैं इसलिए ये लोग अपनी हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, तो इन लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। ये लोग अपने काम में इतने मशगूल होते हैं कि अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेसफुल वर्क लाइफ होने की वजह से ये लोगों को नशे की लत भी लग सकती है। ये लोगों की पर्सनालिटी होती है वो इंट्रोवर्ट होती है, जल्दी से किसी के साथ खुलते नहीं हैं, अपने अंदर की फीलिंग है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। मैं अगर एक लाइन में बताऊँ तो दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता हॉस्पिटल में औजारों के साथ। तो इन लोगों को अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करना चाहिए और कोई ऐसा दोस्त रखना चाहिए जिससे ये लोग उनकी फीलिंग है वो शेयर कर सके। तो इस पर इन लोगों को वर्कआउट करना चाहिए। अब अगर हेल्थ की बात करूँ तो ये लोगों को डिप्रेशन काफ़ी होता है, पैरालिसिस देखा गया है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम देखे गए हैं। अब अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो ये लोग है वो बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी फील्ड में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे बन सकते हैं, LIC, लॉ, फाइनेंस, बैंकर, कॉन्ट्रैक्टर, पुलिसमैन, मैनेजमेंट जॉब, एग्रीकल्चरल जॉब, स्पोर्ट्समैन, तो इन सारी फील्ड में ये लोगों को बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है। अब अगर मैं नंबर 8 वाले व्यक्ति को टिप देना चाहूँ तो शनि है वो न्याय का देवता है, तो अगर आप गलत चीज़ों में पड़ोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहोगे। तो आप लोग है वो गलत रास्ता ना अपनाइए, क्योंकि शनि है वो हार्ड वर्क को दर्शाता है, तो आपको सेकंड लाइफ के फेज में आपकी 34 की एज के बाद आपको जरूर सक्सेस मिलती है अगर आप गलत चीज़ में नहीं पड़े हो तो। तो इन लोगों को गलत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, और क्योंकि शनि है वो न्याय का देवता है तो न्याय ज़रूर करता है, तो आप प्रॉब्लम में ही रहोगे अगर आप गलत चीज़ों में पड़े तो। तो इन चीज़ में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 9 के ऊपर। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है। तो ऐसे ही मेरे साथ और मेरी चैनल के साथ जुड़े रहे, कर भला तो होगा भला। धन्यवाद दोस्तों।